भगवान इंसान से क्या चाहते हो, आइए बताते हैं आपको पूरी बात। पुराने समय की बात है, एक गांव में एक अमीर सेठ रहता था। सेठ बहुत अमीर था, परंतु वह एक नंबर का कंजूस आदमी भी था। वह अपने पैसों में से एक रुपया भी किसी ज़रूरतमंद को देना पसंद नहीं करता था। एक बार वह अपने मित्र के घर उसकी बेटी की शादी में गया था। वहाँ उसने देखा कि सब उसे देने के लिए कुछ ना कुछ लाए थे, परंतु वह तो खाली हाथ ही आया था। उसने सोचा, सब कुछ ना कुछ लाए हैं, केवल मैं ही ऐसा व्यक्ति हूँ जो खाली हाथ आया हूँ। अगर मैं कुछ नहीं दूंगा तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। वह कुछ समय चुप बैठा रहा, परंतु जैसे ही उसे मौका मिला, उसने अन्य मेहमानों द्वारा भेंट की गई साड़ियों में से एक साड़ी उठाई और अपने पास रख ली। ऐसा करते हुए उसके मित्र ने उसे देख लिया, परंतु उसने अपने मित्र को कुछ नहीं कहा। कुछ समय बाद वह उठा और अपने मित्र के पास आया और वह साड़ी देते हुए बोला, बहुत बहुत बधाई हो, यह छोटी सी भेंट मेरी तरफ से। उसका मित्र, जिसे पता था कि इसने मेरे घर से ही ये साड़ी उठाई है और मुझे ही उपहार स्वरूप दे रहा है, वह सन्न रह गया। दोस्तों, आप ही बताइए, क्या वह उपहार पाकर जो पहले से ही उसका है उसे खुश होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। कभी आपने सोचा है कि जब आप भी रोज़ भगवान के साथ यही चीज़ करते हैं तो उन्हें कैसा लगता होगा? आप रोज़ मंदिर जाते हैं और उन्हें रुपया पैसा चढ़ाते हैं और उपहार स्वरूप उन्हें वही चीज़ भेंट करते हैं जो उन्हीं की बनाई गई है, और अपने मन में ये भावना रखते हैं कि यह चीज़ हम अपनी तरफ से भगवान को भेंट कर रहे हैं। सोचते हैं कि हमारा ऐसा करने से भगवान हमसे खुश हो जाएंगे। दोस्तों, हम सभी कितने बड़े मूर्ख हैं। हम इतना भी नहीं समझते कि जो हम उन्हें दे रहे हैं वो तो पहले से ही उनकी है, फिर भला उनको इन चीज़ों की क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकता है? अगर आप सच्चे मन से उन्हें कुछ देना है तो उन्हें आप अपनी सच्ची भक्ति दीजिए, आप उन्हें अपनी सच्ची श्रद्धा दीजिए, दूसरों के हित के बारे में सोचिए, अपने माता पिता की सेवा कीजिए। विश्वास मानिए, अगर आप ऐसा करोगे तो भगवान आपसे ज़रूर खुश होंगे। एक कहानी और बताता हूँ। एक बार एक व्यक्ति भगवान से कहता है, अजब हैरान हूँ भगवान, तुझे कैसे रिझाऊँ मैं, कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे तुझ पर चढ़ाऊँ मैं। इस पर भगवान ने उस व्यक्ति से कहा, संसार की हर वस्तु तुझे मैंने दी है, तेरे पास अपनी सिर्फ तेरा अहंकार है जो मैंने नहीं दिया, उसी को तू मेरे पास अर्पण कर दे, मैं तेरा जीवन सफल कर दूँगा।